लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा का मिजाज इन दिनों बदला बदला सा लग रहा है। लगता है शत्रुघ्न सिन्हा को समझ आ गया है कि बीजेपी से पंगा लेकर उनकी राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ सकता। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। शत्रुघ्न ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मास्टर रणनीतिकार बताया। उन्होंने मरांडी के लिए घर वापसी और 14 साल का वनवास खत्म जैसे शब्दों का जिक्र किया, जिसके बाद उनकी घर वापसी की चाहत के कयास भी शुरू हो गए हैं। शत्रुघ्न ने ट्वीट करके लिखा कि मास्टर स्ट्रेटजी गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने जबरदस्त छवि, ईमानदार, विश्वसनीयता, नेतृत्वकर्ता के गुण वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को वापस लाकर मास्टर स्ट्रोक चला है। उनकी घर वापसी के साथ ही 14 साल का वनवास खत्म होता है। बता दें कि अमित शाह ने JVM का बीजेपी में विलय होने पर बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया था। विलय होने पर अमित शाह ने कहा था कि मुझे खुशी है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में लौट आए हैं। बहरहाल बगावत के बाद शत्रुघ्न को नया घर यानी कांग्रेस तो मिल गई थी, लेकिन शत्रुघ्न राजनीतिक मैदान से लगभग गायब हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रति उनका नरम रवैया कई तरह के संकेत दे रहा है। अब शत्रुघ्न सिन्हा को अमित शाह स्वागत करते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में घर वापसी की बात जेहन में आना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।